इंचार्ज एक बार मंच पर आ जाएं, एग्जिट का आप ध्यान रखें। मेरा नाम यश है, मैं बीवीएन स्कूल खाम्बी से हूँ। आज हम 15 अगस्त की तैयारी के लिए पलवल आए हुए हैं। हम 15 अगस्त पे अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। उस दिन की हमारी थीम है आज़ादी आई खुशियां हैं शहीद। हमें आज़ादी बहुत मुश्किलों के बाद मिली है शहीदों के उससे संघर्ष से, तो कृपया आप इस जश्न को बड़े जोर शोर से मनाएंगे और अपने घरों पे एक एक तिरंगा जरूर लगाएंगे। किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेंगे और किस तरह से पूरा अभ्यास कराया जा रहा है? 15 अगस्त की तैयारी के लिए हमारे 10 स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो आज टीम का सिलेक्शन डे है, इसमें से हम 5 या मैक्सिमम 6 टीम हम सिलेक्ट करेंगे आज। और इसमें हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसमें सॉन्ग भी है, कल्चर फेस्ट भी है, सभी प्रकार की एक्टिविटी आज हो रही है। उसमें से हमारे अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी मैम जी, SDM और सभी आए हुए हैं, वे अपने हिसाब से और हम सब मिलकर के टीम को सिलेक्शन करेंगे और उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हमारे शहीदों के ऊपर है जहाँ पर उनके ऊपर हमारे सिलेक्ट किया जाएगा। युवाओं से क्या अपील है? युवाओं से अपील है कि इसको अच्छी तरह मनाएं और अपने सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, क्योंकि एक हमारा एक धर्म है, एक प्रकार की एक आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है और आज़ादी जिसने प्राप्त की है उसको इतना मेंटेन करना भी उतना ही संघर्षशील है। अतः युवाओं से अपील है कि इसको अपनी आज़ादी को मेंटेन करते रहें और अपने हर एक घर पर अपना तिरंगा फहराएं। मैडम, ये जो 15 अगस्त को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो क्या तैयारियां की जा रही है? देखिए, पूरा जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है उसके तैयारियों को लेकर आज हम फर्स्ट रिहर्सल यहां पर कर रहे हैं। सभी स्कूलों को बुलाया है, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया है और सभी तैयारियां पूर्ण रूप से हमारी हो चुकी हैं और आज हम सिलेक्शन करेंगे और इसी की प्रक्रिया यहां पर है जारी। किस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे? देखिए, इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम है, इसके अलावा हमारे राष्ट्रभक्ति के गीत हैं, डांस प्रोग्राम्स हैं, गाने का है, तो एक मिला जुला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि हम आशा कर रहे हैं कि अच्छे स्तर का होगा। लोगों से क्या अपील है? मैं लोगों से यही अपील करती हूँ कि जो आज़ादी का दिवस है, बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करें और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम आज़ाद हवा में सांस ले सकते हैं और इस आज़ादी को हमें रोज इसको हमें लेना चाहिए और सोच के अच्छा काम करना चाहिए। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएँ हैं, धार्मिक संस्थाएँ हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।